नमस्कार बच्चों। आज की जो हमारी क्विज़ है दैट इज़ ऑफ रीजनिंग, रीजनिंग की क्विज़ है। रीजनिंग अगेन आपके सिलेबस में नहीं है बट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसे आपकी जीके ज़रूरी है ऐसे आपकी रीजनिंग भी अच्छी होनी चाहिए। और रीजनिंग में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको प्रीवियस नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पहले सुना हो पढ़ा हो तभी आप आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे अपना तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट्स टेस्ट योर माइंड्स, आपके दिमाग को थोड़ा टेस्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगेन द सेम थिंग, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल तो वीडियो के नीचे राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर टैप कर सकते हैं। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए आपको एक फिगर दी हुई है, मिरर इमेज। ये आपके फिगर है और ये मिरर रखा हुआ है। लास्ट टाइम भी हमने मिरर के कई सारे क्वेश्चंस किए थे। आप बताइए इस मिरर में ये जो आपका फेस है, स्माइली फेस है, ये कैसा दिखाई देगा? जैसा आप जानते हैं मिरर में चीज़ें बिल्कुल सेम नहीं दिखती। अगर एरो इस तरफ है और यहाँ आप मिरर रख देते हैं, ये मिरर है, तो एरो वो आपको ऐसा दिखाई देगा मिरर में, है ना। डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लेफ्ट राइट की, अप डाउन की नहीं होती है, ऊपर और नीचे। ऐसा नहीं है कि आप मिरर में देखेंगे अपने आप को तो आपका सर नीचे पैर ऊपर दिखेगा, ऐसा तो नहीं होता। बट लेफ्ट राइट चीज़ें वो अलग हो जाती है इसमें, ओके, डायरेक्शन चेंज दिखती है। तो बताइए ये जो स्माइली है, अगर आप इसे मिरर में देखते हैं, यहाँ मिरर रखा है, तो इसकी इमेज कैसी बनेगी? आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपका ऑप्शन है इस तरीके से दिखेंगी, आइज़ देख लीजिए, आइज़ पर ज़्यादा फोकस रखना है आपको। बी ऐसे, बी लाइक दिस, सी लाइक दिस और डी लाइक दिस, ए बी सी और डी, हाउ दिस थिंग विल लुक इन मिरर। चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को जल्दी ही देना है, और ऐसा देखा गया आप कई बच्चे ऐसे हैं जो ऑल 15 आंसर्स के क्वेश्चन के आंसर्स एक साथ करते हैं। अगर आप ऐसा करते भी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप क्वेश्चन सुनते ही कॉमेंट सेक्शन में देंगे सभी, ओके। क्वेश्चन सुनिए, जो भी आपके माइंड में उसका आंसर आता है वो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप में से 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, 90% जो बच्चे हैं वो उसका आंसर गलत देने वाले हैं। और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट यू हैव टू बी फास्ट, जो आपके माइंड में आएगा आप वही आंसर देंगे। चलिए तो क्वेश्चन है ये, आंसर फास्ट फास्ट आंसर करना है आपको। SILK सिल्क, देन व्हाट डज अ काउ ड्रिंक? SILK होता है सिल्क, तो बताइए गाय क्या पीती है? जल्दी से आंसर करिए, कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन आपने सुन लिया, SILK इज सिल्क, देन व्हाट डज अ काउ ड्रिंक? SILK होता है सिल्क, तो गाय क्या पीती है? वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करिए। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने कि SILK होता है सिल्क, तो गाय क्या पीती है? आपने कहा होगा मिल्क, ऐसा ही कहा है काफी बच्चों ने, तो दिस इज रॉन्ग। क्वेश्चन क्या था, गाय क्या पीती है? गाय दूध पीती है? गाय आप सबने देखी है, कभी गाय को दूध पीते हुए देखा है? तो यानी कि आपका आंसर हो गया ना रॉन्ग। मैंने कहा था ना, यू विल, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने मिल्क आंसर किया होगा, आई कैन गारंटी दिस। तो एडिट नहीं करना है उस आंसर को, एज इट इज छोड़ देना, उसके बाद आप सही आंसर दे सकते हैं। ओके चलिए, एक्चुअली क्वेश्चन पहले भी टेस्ट हो चुका है, बहुत लोगों से पूछा गया, आप चाहे तो अपने घर पे भी पूछ सकते हैं। तो 90% जो लोग हैं इसका आंसर गलत देते हैं। आप पूछेंगे SILK होता है सिल्क, तो गाय क्या पीती है? तो जैसे आप राइमिंग पढ़ते हैं ना, राइमिंग वर्ड्स, तो बहुत बच्चों के दिमाग में आंसर आता है मिल्क एकदम से। ओके चलिए आगे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट विल बी द नेक्स्ट? बताइए कि अगली कौन सी फिगर आपकी आएगी। ये आपको कुछ फिगर्स दी हुई है, फर्स्ट देन सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। इनमें एक्चुअली आप थोड़ा सा पहले पैटर्न देख लीजिए। देखिए पहले एरो का पैटर्न देखते हैं। एरो आपका इस तरफ है लेफ्ट कॉर्नर में, देन ऊपर चला गया, देन राइट कॉर्नर, देन इधर आ गया, देन नीचे आ गया, नीचे वाले कॉर्नर में। अब देखिए नेक्स्ट फिगर में जो एरो आएगा वो इनमें से कौन सा एरो सही है, कहाँ आना चाहिए? एरो हो गया। अब इसको देख लीजिए, जो सर्कल है आपका, पहले ये इधर है राइट की तरफ आपका इशारा कर रहा है, उसके बाद ऊपर चला गया राइट में, फिर बिल्कुल ऊपर चला गया, फिर लेफ्ट कॉर्नर में चला गया, देन लेफ्ट में आ गया। अब बताइए कि ये कहाँ जाएगा? दोनों को अलग अलग देखिए, दोनों के पैटर्न अलग चल रहे हैं। ये जो है आपका एरो, ये ऐसे घूम रहा है थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे, और दूसरा जो है आपका, वो आपका ऑपोजिट चल रहा है।
तो बताइए कि नेक्स्ट कौन सा इनमें से करेक्ट होगा. आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए दिस वन विल बी करेक्ट, बी दिस, सी दिस और डी दिस. ए बी सी डी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए आपने आंसर कर दिया होगा. आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मैच स्टिक्स आर नीडेड टू मेक पैटर्न 5. पहले पैटर्न 1 देख लीजिए. पैटर्न 1 को बनाने में कितनी मैच स्टिक्स लगी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. पैटर्न 1 को बनाने में 8 मैच स्टिक लगी. पैटर्न 2 को देखिए, पैटर्न 2 में 16 नहीं लगी है क्योंकि एक मैच स्टिक है जो दोनों में कॉमन है, ये वाली. तो पैटर्न 2 को बनाने में 15 लगी होगी आपकी, 8, 8 एंड -1 क्योंकि ये कॉमन हो गई. पैटर्न 3 को बनाने में देखिए, दो मैच स्टिक कॉमन है. आप काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 करके भी आप काउंट कर सकते हैं. तो आप देखेंगे कि इसमें 22 मैच स्टिक्स लगी हैं. फर्स्ट को बनाने में 8 लगी, सेकंड को बनाने में 15, थर्ड को बनाने में 22, फोर्थ को बनाने में देखिए कितनी लगेगी. एंड आपको फिफ्थ का आंसर बताना है कि फिफ्थ पैटर्न को बनाने में कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी. इंक्रीजिंग पैटर्न है और एडिशन का पैटर्न है आपका. 8 के बाद 15 आया, 15 के बाद 22. देखिए क्या पैटर्न चल रहा है. उसके बाद नेक्स्ट नंबर बताइए और उसके नेक्स्ट नंबर बताइए. आपको फिफ्थ नंबर पर बताना है क्या आएगा. आपके ऑप्शन हैं ए 54, बी 36, सी 43 या फिर डी 35. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. चलिए आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हॉर्स ड्रिंक फर्स्ट, ड्रिंक्स फर्स्ट. आपको नीचे कुछ हॉर्सेस दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ऊपर एक आपको टैप दिख रहा होगा, टैप से पानी आ रहा है. मैं जूम करके आपको दिखा देती हूँ. और एक्चुअली पानी जब आ रहा है तो देखिए इसमें क्या है कि पानी यहाँ से आया, इधर से आया, इधर गया, यहाँ से इस तरीके से अलग अलग उसमें आ रहा है. बट कुछ जगह आपकी ब्लॉक्स हैं, तो अगर ब्लॉक हो गया तो यानी कि पानी आगे नहीं जाएगा. जैसे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि पानी यहाँ से आया, इस नल से इसमें गया, अब वो इधर इसमें नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ब्लॉक है यहाँ पर. तो आपको ये देखना है, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को थोड़ी देर यहीं पर ही, और ध्यान से देखिए पूरे इसको कि एक्चुअली में किस हॉर्स तक ये पानी विदाउट एनी ब्लॉक, कोई ब्लॉकेज नहीं है, वहां तक पहुंच सकता है. आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. 5 हॉर्सेज हैं, 5 इसके नीचे. इसको मिलेगा सबसे पहले, सेकेंड को, थर्ड को, फोर्थ को या फिर फिफ्थ को. वीडियो पॉज करिए, देखिए कि ब्लॉकेज आप जैसे जा रहे हैं. जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, अगर आपको इस घोड़े को पानी पिलाना है, पानी यहाँ से आया, गुड, इसमें आ गया, चलिए यहाँ आ गया पानी. उसके बाद यहाँ से यहाँ आया, गुड, यहाँ आ गया. लेकिन इस हॉर्स के पास जाने के लिए इससे आना चाहिए था, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या है, यहाँ पर ब्लॉक है ये, तो यानी कि पानी इस तक नहीं पहुँचेगा. सो ये फर्स्ट हॉर्स नहीं हो सकता. तो इतना मैंने आपको हिंट दे दिया है, बाकी आप देखिए कि इसमें किस हॉर्स को सबसे पहले पानी मिलेगा. चलिए आंसर कर दिया होगा आपने. ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको एक कुछ फिगर्स दी हुई है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये देखिए, ये आपका एक हेक्सागन है 6 साइड वाला, फिर पेंटागन आया 5 साइड वाला, फिर एक स्क्वायर आया 4 साइड वाला. नेक्स्ट आप बताइए कि कौन से फिगर आएगी. वेरी इजी क्वेश्चन. पहले हेक्सागन, 6 साइड, 5 साइड, 4 साइड. नेक्स्ट क्या आएगा आपका, दिस फिगर विल कम नेक्स्ट और दिस, या फिर एक सर्कल और एक स्टार. व्हाट विल कम नेक्स्ट? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. लेट्स मूव अहेड. आगे क्वेश्चन है आपका, इफ कोड फॉर टीम इज MAET. टीम को आप एक बच्चा ऐसे लिखता है. अब देख लीजिए क्या पैटर्न उसने फॉलो किया. TEAM को वो MAET लिख रहा है, तो किस तरीके से उसने वर्ड्स को रीअरेंज किया है. तो यही सेम पैटर्न फॉलो करते हुए आप बताइए वो हेयर को कैसे लिखेगा. HEAR को वो EHAR लिखेगा, AEHR लिखेगा या फिर RAEH लिखेगा. अगेन, आपको अगर ये समझ में आ गया कि यहाँ पे उसने क्या पैटर्न फॉलो किया है, तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं. TEAM को MAET लिख रहा है. सपोज करिए मुझे कोई वर्ड लिखना है, मुझे सपोज करिए नोज लिखना है, तो नोज को मैं किसी तरीके से रीअरेंज करके ऐसे लिख देती हूँ, ESON, पहले ई देन एस देन ओ देन एन. ओके, सो ये इस तरीके से लिखा जाएगा आपकी कोड लैंग्वेज में. कोडिंग होती है आपकी थर्ड क्लास ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाती है, बट क्वेश्चन बहुत ईजी. आई थिंक सेकेंड वाले बच्चे भी इजिली समझ सकते हैं. टीम को MAET लिख रहा है, हेयर को क्या लिखेगा.
ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज आपको कुछ पैटर्न्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको बताना है आगे क्या आएगा। पैटर्न को बहुत अच्छे से देखिए और एक एक फिगर को इसमें देखिए। जैसे सबसे पहले आपका स्क्वायर बॉक्स लेफ्ट कॉर्नर में है, फिर वो इधर आ गया, फिर वो नीचे आ गया, फिर से इधर आ गया, फिर से ऊपर चला गया। आप देखिए नेक्स्ट जो फिगर बनेगी उसमें आपका ये बॉक्स कहाँ जाएगा और इनमें से कौन सा ऑप्शन में बॉक्स वहीं पर है। नेक्स्ट सर्कल देखिए आपका राइट कॉर्नर में है, उसके बाद इधर लेफ्ट कॉर्नर में आ गया, उसके बाद नीचे आ गया। एक एक प्लेस शिफ्ट कर रहे हैं सभी। उसके बाद इधर शिफ्ट हो जाता है, फिर ऊपर, देन अगेन राइट में चला जाता है। बताइए कि कौन सा आएगा नेक्स्ट नंबर पर। इसी तरीके से प्लस को देखिए कैसे शिफ्ट हो रहा है, ऊपर गया, फिर ऊपर से इधर आया, इधर से नीचे आया, नीचे से लेफ्ट, देन ट्रायंगल किस तरीके से मूव कर रहा है। नीचे आपके दो अल्फाबेट्स लिखे हुए एस यू, तो ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। पहले एस यू था, फिर यू एस हो गया, देन एस यू, देन यू एस, देन एस यू। अब बताइए आगे क्या आएगा। तो इस तरीके से कौन सा इसका आंसर फिगर है जिसमें सभी चीज़ें एज पर पैटर्न, जो पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है आपकी फाइव फिगर्स ने, वही पैटर्न फॉलो करते हुए सारी चीज़ अकॉर्डिंगली अरेंज है। इनमें से ए ऑप्शन आपका ये है, बी इज दिस, सी इज दिस एंड डी इज दिस। तो बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। ये फिगर आपको दी हुई है एक, इसको एक बच्चा 9 लिखता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो 9 है। अब आप देख लीजिए क्या 9 है, क्या ये स्टिक्स 9 है, कॉलम्स 9 है, या फिर कुछ और चीज़ है जो 9 है। उसके बाद जब ये फिगर उसको दी गई उसने उसको 1 लिखा। तो बताइए इस फिगर में जो चीज़ इसमें 9 है, इसमें 1 है खाली, इसमें कितनी है वो, आप इसका आंसर सोचिए। वैसे इसका आंसर मैं भी बताऊंगी आपको उसके बाद, अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो। ओके आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए क्या चीज़ है जो इसके पास 9 है, यहाँ पर 1 है। ये जो आपके प्लेसेस है जहाँ पर दो लाइंस मिल रही है, ये पॉइंट्स जो हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये 9 है इसमें, और इसके पास ये 1 है ना। एक ही जगह है जहाँ पर दोनों आपकी लाइंस मिल रही है, जो आपके इंटरजेक्शंस के पॉइंट हैं। तो आप बताइए कि इसमें कितने हैं ऐसे पॉइंट्स। अब क्वेश्चन इजी हो गया, अब आप इजीली काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितने हैं। वीडियो पॉज करके काउंट करिए अगर आपने पहले आंसर नहीं दिया था। नाउ यू कैन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मिरर फिगर। मिरर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी में रीजनिंग के लिए, प्राइमरी 6, 7, 8 तक भी। तो आपको एक फिगर दी हुई है यहाँ पर, ये एक बनी है, हाथ में इसके कैरेट है, नंबर लिखा हुआ 479 इसके ऊपर। अब बताइए कि ये बनी कैसा दिखाई देगा आपके मिरर में। जैसा मैंने कहा था मिरर में लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है सब कुछ, और लेकिन अप डाउन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बनी ऐसा है तो अभी आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना, मिरर में। चलिए बताइए कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको समझ में ना आए तो इसका हिंट यही है, आप इसको ले जाइए फिगर को मिरर के सामने, इसको देखिए कि शीशे में ये कैसी दिखती है इन चारों में से। तो आपके ऑप्शन हैं ए ऐसी इस तरीके से ये बनी दिखेगा, बी ऐसे दिखेगा, सी या फिर डी। बनी को आप पहचान लेंगे, नंबर में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो आप अपनी कॉपी पर 479 लिख के मिरर में देख सकते हैं कि 479 एक्चुअली में कैसा दिखाई देता है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई शैडो। ये आपको एक आपको चिकन दिया हुआ है, एक हेन दी हुई है, इसकी चार शैडोज हैं यहाँ पर। आपको बताना है कौन सी शैडो इसकी है, ए बी सी एंड डी। शैडो आप सभी की होती है, आपने देखोगे परछाई जिसको आप बोलते हैं, जब लाइट होती है तो जिस तरफ लाइट है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हर ऑब्जेक्ट की शैडो बनती है। तो बताइए कि जी जो आपका चिकन है, हेन जो है, ये इसकी कैसी शैडो बनेगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसकी एक एक चीज़ देख लीजिए, जो शैडो में आपको दिया हुआ है वो चीज़ देख लीजिए कि किसमें इसके सारे जो फीचर्स है वो है शैडो में। ओके लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक ब्रेन टीजर है। आई हैड 6 eggs, मेरे पास 6 eggs थे, 5 and 6। आई ब्रॉक 2, दो उनमें से मैंने तोड़ दिए। आई फ्राइड 2, दो उनमें से मैंने फ्राई कर लिए। एंड आई एट 2, और दो मैंने खा लिए। दो आपने ब्रॉक कर दिए, तोड़ दिए, दो फ्राई किए पैन में, और दो आपने खा लिए। हाउ मेनी एग्स आर लेफ्ट विद मी। अब बताइए मेरे पास कितने एग्स बचे हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए 0, कोई एग नहीं बचा, सारे खा लिए, बी 2, या फिर सी 4। बताइए 6 eggs थे टोटल, 2 यू ब्रोक,
टू फ्राइड टू एट देन हाउ मेनी आर लेफ्ट. और आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा जीरो, विच इज रॉन्ग. बताएं इसका आंसर क्या है. ये देखिए, ये आपके पास सिक्स एग्स थे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. आपने दो एग्स को तोड़ा, उसके बाद उन्हीं दो एग्स को फ्राई किया पैन में और उन्हीं दो को खा लिया. तो बताइए कितने एग्स बचे, 4 एग्स. ऐसा थोड़ी आप इन दो आपको फ्राई करने से पहले तोड़ना पड़ेगा, खाने से पहले फ्राई करना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं है कि आप एग्स एज इट इज खा लेंगे, है ना. तो आपने जिन एग्स को तोड़ा उन्हीं को ही फ्राई किया और उन्हीं को ही खाया है. यानी कि करेक्ट आंसर इज सी. अगर आपने सी आंसर दिया तो आपका आंसर सही है. 4 एग्स आर लेफ्ट. ओके, नेक्स्ट इज गेस द सिटी नेम. एक और माइंड टीजर है यहाँ पे. आपको एक कुछ पहेली टाइप दी हुई है, आपको इनसे सिटी का नाम बताना है, शहर का नाम क्या होगा. 3/7 ऑफ चिकन, 2/3 ऑफ कैट, हाफ ऑफ गोट. 3/7 चिकन, 2/3 कैट, हाफ ऑफ गोट. इन तीनों को मिला के किस शहर का नाम बनता है. वीडियो पॉज कर दीजिए, थोड़ा सा सोचिए, देन राइट योर आंसर. ओके, आंसर दे दिया होगा आपने. अब मैं बताती हूँ, देखिए, 3/4 ऑफ चिकन, 3/7 सॉरी, इसमें 7 लेटर है, आप 3 लेटर ले लीजिए, सी एच आई. 2/3 ऑफ कैट, कैट में 3 लेटर्स है, 2 ले लीजिए, सी ए. और गोट का आधा जी ओ ले लीजिए आगे के. तो कौन सी आपकी कौन सा शहर बन गया, दिस इज शिकागो. शिकागो के बारे में आपने सुना है, तो ये आपका शिकागो जो था सिटी का नाम वो है. अगर आपने आंसर दिया तो वेरी गुड, नहीं दिया तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे किस तरीके से आपके माइंड टीजर्स आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्लास हैज मोर वाटर. देखिए, आपको 4 ग्लासेस दिए हुए हैं, ए बी सी डी. चारों में आपको देखने में इक्वल पानी लग रहा है. एक में आपने सीजर डाली हुई है, एक में आपने पिन डाली हुई है, एक में इरेजर है और एक में आपकी वॉच है. आप बताइए किस ग्लास में सबसे ज़्यादा पानी है, ए बी सी और डी. वीडियो पॉज करिए, ध्यान से देखिए किस में ज़्यादा पानी है और उसके बाद आप कॉमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे. जूम कर देते हैं आपके लिए. ओके, यू ऑलमोस्ट हैव आंसर टिल नाउ. और आपने में से ज़्यादातर बच्चों ने कहा होगा चारों में इक्वल पानी है, विच इज रॉन्ग, जो बिल्कुल गलत है. देखिए, आपने कौवे की और एक उसकी कहानी सुनी है, जब कौवे को प्यास लगती है तो वो घड़े में जिसमें पानी होता है उसमें कंकर डालता है, उसमें पेबल्स पुट करता है, तो वाटर का लेवल राइज हो जाता है. तो कहने का मतलब है, आप जब चीज़ किसी वाटर के किसी उसमें कोई चीज़ पुट करते हैं तो जितनी भारी आप चीज़ पुट करेंगे उतना ही वाटर लेवल ऊपर हो जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि आपने इसमें सीजर डाली, इसमें कम पानी होगा, सीजर डालने से पानी ऊपर आ गया. इसमें आपने पिन डाली, पानी बहुत कम ऊपर आया. यहाँ पर आपने रबर डाली, पानी थोड़ा सा ऊपर आया, इसमें इतना पानी रहा होगा. आपने अगर इसमें वॉच डाली है तो पानी काफ़ी ऊपर आया होगा. तो किस में सबसे छोटी चीज़ आपने पुट की, आपने पुट किया बी ग्लास में. तो कहने का मतलब है बी ग्लास में पहले से ही इतना पानी है, बी ग्लास में सबसे ज़्यादा वाटर था, तभी थोड़ी सी चीज़ डालने पे ही वो सबके बराबर हो गया. इक्वल है ना सभी में, बट इनमें इक्वल है क्योंकि इनमें बड़ी चीज़ है, इन्होंने काफ़ी जगह घेर रखी है इसलिए वाटर लेवल ऊपर है. इसमें बहुत छोटी सी चीज़ होने के बाद भी पानी ऊपर है. तो यानी कि करेक्ट आंसर विल बी बी, बी ग्लास जो है आपका, बी ग्लास में ज़्यादा पानी है. सो करेक्ट आंसर इज बी. अगर आपने बी दिया तो आपका आंसर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कम्प्लीट द पैटर्न. आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ, बड़ा ही इजी पैटर्न है, क्रॉस है और बीच में एक लाइन है. तो बताइए इसमें से कौन सा पैटर्न, ये आपका ब्लैंक है, इन चारों में से इस फिगर को कम्प्लीट करेगा. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन सी या फिर डी. बहुत ईजी है, इससे पहले क्विजेज में हम इससे टफ पैटर्न कर चुके हैं, तो इसका आंसर तो आप सभी को आता ही होगा. ओके, दैट्स ऑल. ये आज की हमारी रीजनिंग की क्विज थी. सम माइंड टीजर्स वर देयर, होपफुली आप सभी ने इंजॉय किया होगा. और नेक्स्ट वीक नेक्स्ट एक और आपकी रीजनिंग की वीडियो के साथ वी विल बी हियर. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.